आप देख रहे हैं मेवात आज तक। मेवात के पुनान विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इलियास का गांव तिरवाड़ा में बसीर और रसीद ठेकेदार ने फूल माला व पगड़ी बांधकर स्वागत किया। आपको बता दें कि तिरवाड़ा के लोगों ने चौधरी इलियास और नायब को रथ में बैठा कर तिरवाड़ा गांव लाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गांव तिरवाड़ा में आज चौधरी इलियास के साथ हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद रही। चौधरी इलियास ने इस भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में पुराना की जनता को सिर्फ और सिर्फ लूटा गया है, डराया गया और धमकाया गया है, लेकिन इस बार कांग्रेस की सरकार आने पर पुराना विधानसभा को तरक्की की ओर ले जाया जाएगा। युवाओं को रोजगार, पक्की सड़क, बिजली पानी का समाधान भी तुरंत किया जाएगा। इसलिए चौधरी इलियास ने सभी से निवेदन किया है कि आने वाली 21 तारीख को कांग्रेस को ही वोट दें। ताजतरीन खबरों के लिए देखते रहिए मेवात आज तक। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई साथियों, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके आभारी है कि आप लोगों ने जब हम यहाँ आए, आप लोगों ने जिस तरीके से हमारा मान सम्मान किया, उसके लिए मैं अल्लाह तआला से दुआ करता हूँ। खुदा ने अगर मुझे जिस लायक में बनाया, मेरे वालिद साहब आपकी खिदमत में जो है 50 साल रहे, मेरा भाई ने भी आपकी खिदमत की, मैंने भी की, आप लोग मुझे जानते हैं, मेरी कार्य शैली को जानते हैं, रहीसा की कार्य शैली तुमने 5 साल में देख ली, बाकी आप तुम्हारे सामने है, क्योंकि नमाज का वक्त होने जा रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को इस मौके पर मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से अपील करता हूँ, ये मेरा बुढ़ापा भी है, क्योंकि उसे तो वक्त का किसी का पता नहीं चलता, ये बुढ़ापा भी है मेरा। और मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, अगर इससे पहले कोई जाने में अनजाने में अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ आइंदा कोई गलती नहीं करूँगा। और 21 तारीख को हाथ से पंजे पर मोहर लगाकर आप मेरे जैसे नाकस इंसान को आप चौकीदार हल्के का बनाइए, असेंबली में भेजिए, मैं आपकी हर बच्चे की चौकट पर खड़ा होकर आपकी चौकीदारी करूंगा। मैं 10 साल यहाँ से असेंबली मेंबर रहा, बताओ ईमानदारी के साथ कोई पैसा मैंने किसी से लिया? अरे बताओ भाई, आप तो इलेक्शन का मौका आते मुंह खोल ही सकते हो, नहीं लिया ना? थाने में कोई लूटा? नौकरी में कोई लूटा? घर पर जो बन पाया, हमारे गरीब झोंपड़ी वाले लोग रहे, हमने तो चटनी रोटी जो थी हमारे पास है उसको हमेशा आपकी खिदमत में रखकर आइंदा भी रखेंगे। दोबारा आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए लोगों में खुदा के वास्ते मेरी कोई गलती माफ करके मैं सारे और एक बात और है कि जो साहब को मिर्जा साहब को हाथ उठा कर जो है ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मैं जोतना तो बहुत पापा, अब कूड़ जो है खेत में रुक रुक के कट रहे हैं, उन्हें तुमने देखो भाई पोस्ट फाद जोतना होगा कोई? अरे जोतना बैल होगा कोई ना हो ना? और इंशाल्लाह फिर जोतनी में जाओगे जब तब ताकत दे रहे हो। अब जितनी गाड़ी